Hi. How are you? I am also fine. Very good. तो आज हम डे 16 में चल रहे हैं और डे 16 में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में कन्वर्ट किया जाता है. आपके पास कोई आइडिया है क्या? Yes, I have an idea. Please come closer. थोड़ा सा पास आ जाइए यदि आपके पास आइडिया है तो. जैसे अपने पास एक छोटा सिंपल सा काम है कि मैं कोई काम करता हूँ तो मैं कहता हूँ आई एक्शन. क्या कहता हूँ? मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो क्या कहूँगा? आई रीड न्यूज़पेपर. क्या कहेंगे? मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल. ऐसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. तो ये जो काम है ये मेरे रोज़ का काम है तो मैंने क्या कह दिया? आई एक्शन. क्या कह दिया? मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर. क्या कहा? आई रीड न्यूज़पेपर. मैं क्रिकेट खेलता हूँ. अब देखिए जो काम मैं करता हूँ उस काम को मैं करता था तो क्या चेंज होने वाला है? यस, वी यूज़ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब यहाँ वर्ब आपके पास गो है तो सेकेंड क्या हो जाएगा? वेंट. क्या होगा? यदि सी है फर्स्ट फॉर्म तो सेकेंड क्या हो जाएगा? सा. ऐसे गिव फर्स्ट फॉर्म है तो क्या हो जाएगा? गेव. तो बड़ा सिंपल सा काम क्या है, आपको सेंटेंसेस बोलने हैं और वो भी सेकेंड फॉर्म के साथ बोलने हैं. जैसे मैं जल्दी उठता हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. आज मैं जल्दी उठा तो क्या कहेंगे? आई गोट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल. और मैं स्कूल गया तो क्या कहेंगे? आई वेंट टू स्कूल. बस यही प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस का डिफरेंस है. यहाँ कोई चीज़ है तो हम कहते हैं देयर इज. क्या कहते हैं? अभी जैसे ये फैन है तो मैंने कह दिया, अब इसको पास्ट में कहेंगे तो क्या कहेंगे? देयर वॉज अ फैन. क्या कहेंगे? मेरे सामने कैमरा है तो मैं कहता हूँ देयर इज अ कैमरा. इसको कल के बात करें तो क्या कहेंगे? देयर वॉज अ कैमरा. ये सामने जो स्क्रीन है तो क्या कहेंगे? देयर इज अ स्क्रीन. और कल की बात हो गई तो क्या हो गया? देयर वॉज अ स्क्रीन. तो हम धीरे धीरे रोज़ाना प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में हमने ये समझ में आएगा कि किस तरीके से प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं. तो हमारे पास स्टोरी होती है, ऐसे हमने करके देखा, वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ फॉरेस्ट. क्या कहते हैं? और फॉरेस्ट बहुत घना फॉरेस्ट था तो हमने कह दिया देयर वॉज अ डार्क फॉरेस्ट. उसमें एक लंबा रास्ता था, देयर वॉज अ लॉन्ग वे इन द फॉरेस्ट. कह सकते हैं क्या? यस, देयर वॉज अ लॉन्ग वे इन द फॉरेस्ट. वापस बता दीजिए दोनों सेंटेंस साथ साथ. वेरी गुड. अब देखिए कई लोगों को जल्दबाजी लगी हुई है, मैं कह रहा हूँ कि आपको आराम से बोलना है. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ डार्क फॉरेस्ट, देयर वॉज अ लॉन्ग वे इन द फॉरेस्ट. अब जो रास्ता था उस पर एक बड़ा सा पेड़ था, ह्यूज ट्री. क्या था? इज कहते ही आपका सेंटेंस रॉन्ग हो गया तो आपको क्या कहना है? देयर वॉज अ ह्यूज ट्री ऑन द वे. वेरी गुड. तो वापस बता दीजिए क्या था? वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ डार्क फॉरेस्ट. दैट्स ऑल. क्या कहते हैं? अब देखिए ये चीज़ हम इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं तो केवल हम प्रेजेंट करने के लिए, कैमरे के सामने बोलने के लिए या लोगों के सामने बोलने के लिए नहीं सीख रहे हैं. हम सीख रहे हैं कि जब कोई आए और उससे हम बात करें. सपोज करिए यू आर इन लंदन, सपोज यू आर इन अमेरिका और उनकी जो लैंग्वेज है वो क्या है? इंग्लिश. तो अब हमें उनसे बात करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंग्लिश में बात करना पड़ेगा. तो लोगों से मिलेंगे तो क्या कहेंगे? Hi. और जाते हैं तो क्या कहते हैं? मिलके खुशी हुई, नाइस टू मीट यू. अब आपने सामने वाले को बताया कि एक बार एक बहुत बड़ा जंगल था तो क्या कहेंगे? वेरी गुड. वंस अपॉन ए टाइम देयर वॉज अ डार्क फॉरेस्ट. अब देखो आज है, अब है तो हम बोलेंगे देयर इज. क्या कहते हैं? और था तो क्या बोलेंगे? देयर वॉज. ऐसे हमने देखा दिया एक बार तो कहा वंस अपॉन अ टाइम. क्या कह दिया? वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ डार्क फॉरेस्ट, देयर वॉज अ लॉन्ग वे इन द फॉरेस्ट. और क्या था? There was a huge tree in the forest.
वेरी गुड. देर वॉज अ ह्यूज ट्री ऑन द वे. ये प्रेपोजिशन का रूल है कि आप हिंदी से इनको नहीं लगाएं. प्रेपोजिशन का मतलब ये पहले से ही निर्धारित लेटर अक्षर होते हैं, सॉरी शब्द होते हैं, जो उस जगह पे सही सही लगाए जा सकते हैं. सो वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ डार्क फॉरेस्ट. तो अभी मैं राजेश को बुलाऊंगा. प्लीज़ कम नियरर, थोड़ा सा पास आ जाइए, आपकी वॉइस क्लियर सुन जाए. यस, कोशिश करिए. वंस अपॉन अ टाइम देर वॉज अ डार्क फॉरेस्ट एंड देर वॉज अ वे इन द फॉरेस्ट एंड देर वॉज अ ह्यूज ट्री. गायब क्या हुई? स्माइल गायब हो गई. क्यों हो गई? क्योंकि सामने कोई मुझे देख रहा है. पता नहीं मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ. यही तो रोग है जो हमें बोलने नहीं देता. फिर से एक बार कोशिश करिए. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ डार्क फॉरेस्ट एंड देयर वाज अ वे इन द फॉरेस्ट. देयर वाज अ लॉन्ग वे इन द फॉरेस्ट. देयर वाज अ लॉन्ग वे इन द फॉरेस्ट एंड देयर वाज अ ह्यूज ट्री ऑन द वे. वेरी गुड. अब क्या नहीं हो रहा कि हमारी लैंग्वेज के साथ बॉडी लैंग्वेज सिंक नहीं हो रही है. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ डार्क फॉरेस्ट. क्या करेंगे? Once upon a time there was a dark forest. There was a long way in the forest. There was a long way in the forest. अब देखिए, बोलते बोलते यदि छोटी सी गलती हो जाए तो कहना है I'm sorry. क्या कहना है? बस यही एटिकेट्स कहलाएंगे और सामने वाला कहेगा इट्स ओके. क्या कहेगा? It's okay. तो एक बार फिर से बोल दीजिए. Once upon a time there was a dark forest and there was a way in the forest and there was a huge tree on the way. That's all. अभी मैं बुलाना चाहूँगा द नेक्स्ट कैंडिडेट मिस्टर विकास. वेलकम मिस्टर विकास. हाय. हेलो. हाउ आर यू? आई एम फाइन एंड यू? आई एम ऑल्सो फाइन. प्लीज टेल अस अबाउट अ स्टोरी. सो वंस अपॉन टाइम देयर वाज अ डार्क फॉरेस्ट एंड देयर वाज अ लॉन्ग वे इन द फॉरेस्ट एंड देयर वाज अ ह्यूज ट्री इन द फॉरेस्ट. वेरी गुड. अभी देखिए, यहाँ आते ही हमारी धड़कनें सबसे पहले बढ़ना स्टार्ट हो जाती है. इजंट इट? तो हमें ये ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ. पर एक बार आपको टेंशन फ्री हो गया, रिलैक्स होकर बोलना है. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ डार्क फॉरेस्ट. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ डार्क फॉरेस्ट. देयर वाज अ लॉन्ग वे. देयर वाज अ लॉन्ग वे इन द फॉरेस्ट. देयर वाज अ ह्यूज ट्री ऑन द वे. वाओ, योर इंग्लिश इज वेरी गुड. थैंक यू सर. वाओ. तो जब भी आपकी तारीफ कोई करे तो उन्हें क्या कहना है? थैंक यू. नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा मिस्टर अभिषेक. यस मिस्टर अभिषेक. तो यहाँ तक हमारे पास सेंटेंसेस हो गए, तो एक बार आप रिपीट कर दीजिए. वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ डार्क फॉरेस्ट. देयर वाज अ ह्यूज वे. देयर वाज अ लॉन्ग वे. देयर वाज अ लॉन्ग वे इन द फॉरेस्ट. इन द फॉरेस्ट. एंड देयर वाज अ ह्यूज ट्री ऑन द वे. अब क्या कर रहे हैं? देयर वाज अ बिग पॉन्ड अंडर द ट्री. देयर वाज अ बिग पॉन्ड अंडर द ट्री. देयर आर फोर सेंटेंसेस, एम आई राइट? यस सर. सो नाउ यू हैव टू स्पीक ऑल फोर सेंटेंसेस. There was a long way in the forest. In the forest, there was a huge tree on the way. There was a pond under the tree. That's all. Very good. Now I would like to invite Mr. Mohit. Yes, come on. Wow. Once upon a time, there was a dark forest on the... Sorry, sir, do I start? Yes, why not? Don't worry. Start. Once upon a time, there was a dark forest on the... There... Once upon a time, there was a dark forest. Once upon a time, there was a dark forest. There was a long way. There was a long way on the... In the forest. In the forest. There was a huge tree. There was a huge tree. In the forest. On the way. On the way. And there was a big pond. Big pond. Under the tree. In the tree. Under the tree. Under the tree. Very good. अब अपने पास चार चीजें हैं, फिर से ट्राई करिए, देखिए स्टार्ट करिए. Once upon a time there was a long. Sorry sir. कोशिश करिए. It's okay. No problem. Once upon a time there was a dark forest. There was a dark forest on the long way. Okay. In the forest. There was a long way in the forest. There was a long way on the forest. No problem. Okay, next I would like to invite Mr. Mohit. Please welcome. Yes. One summer time there was a dark forest. There was a long way in the forest. There was a huge tree on the way. And there was a big pond under the tree. That's all.
देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो आपको यही करना है, इज एंड वॉज का डिफरेंस है, बार बार प्रैक्टिस करिए और एक दिन आप परफेक्ट हो जाएंगे। फिर मिलेंगे कल इसी दिन इसी समय इसी चैनल पे, तब तक के लिए सीखते रहिए, बाय। हाँ सबको बोलना है बाय, सी यू टुमारो। See you tomorrow.